वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उस वक्त लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी करवाई थी। इस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन लालू अपनी बात पर अड़े रहे थे। लालू ने माहौल पर काबू पाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को गेस्ट हाउस में नजर बंद रखा था। लाल कृष्ण आडवाणी तब एक बड़े नेता थे और वो राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आडवाणी ने लालू से अपनी पत्नी से बात करने की अपील की थी। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में इस किस्से का जिक्र किया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने गिरफ्तारी के बाद अपनी पत्नी कमला आडवाणी से फोन पर बात करने की गुजारिश की थी। लालू प्रसाद यादव लगातार उनसे फोन पर बात करते थे, लेकिन आडवाणी की इस गुजारिश पर वो सोचने को मजबूर हो गए। लालू लिखते हैं, कई बड़े अधिकारियों और साथियों ने मुझे फोन करने की इजाजत नहीं देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ऐसा करने की इजाजत दे दी। लालू प्रसाद यादव ने लिखा था, मैं इस अनुरोध को स्वीकार करने से पहले कई बार सोचने लगा था। ऐसे में हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात कह दें जिससे माहौल खराब हो जाए या कुछ गोपनीय बात साझा कर दें। खैर, मैंने इजाजत दे दी और कमला आडवाणी ने उनसे फोन पर बात की। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कमला आडवाणी से कहा था, जब वो बात कर रही हो तो वो आडवाणी का इंटरव्यू फोन से करना चाहते हैं। इसी क्रम में पत्रकार ने आडवाणी से दूसरे छोर से बात करने का प्रयास किया। लाल कृष्ण आडवाणी से जब पत्रकार ने बात करने की कोशिश की तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि आडवाणी ने लालू से वादा किया था वो सिर्फ अपनी पत्नी से ही बात करेंगे और उन्होंने अपने वादे को कायम रखने के लिए ऐसा ही किया। लेकिन बाद में उस वरिष्ठ पत्रकार ने यह खबर फैला दी थी कि उन्होंने आडवाणी से बात की और बीजेपी बहुत जल्द वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाली है। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।